names go together, Ram and Krishna. Why it is like that? At the end of many pujas, we say Shri Ramakrishna Arpanamastu. So why Ram and Krishna, they go together? They are not husband wife also. They are not from same era also. They are not friends also like Jayaviru. So why we take their names? Huh? विष्णु के अवतार है इसलिए सब एक ही अकाउंट में जाएगा और बोथ आर अपोजिट्स वेरी गुड सो टू अंडरस्टैंड कृष्ण वी नीड टू अंडरस्टैंड राम फर्स्ट और टू नो हु राम वॉज वी नीड टू नो हु कृष्ण इज राम को क्या नाम से जानते हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा सो ओनली लिमिटेशन ओनली मर्यादा ओनली वी कीप फॉलोइंग प्रोटोकॉल दायरे में जिएंगे तो क्या होगा व्हाट विल हैपन वी नेवर विल एक्सपीरियंस एक्सपेंशन है कि नहीं इट्स नेसेसरी टू फॉलो प्रोटोकॉल सोसाइटी प्रोटोकॉल ऑफिस का प्रोटोकॉल होगा ना पर सिर्फ वही मर्यादा में रहेंगे तो जीवन क्या बनेगा बर्डन बनेगा एक सीमा लग जाएगी बॉर्डर किसको होती है प्रॉपर्टी यस और नो नॉट टू ह्यूमन बींग्स इजंट इट सो वो मर्यादा में ही रह जाएंगे सीमित रह जाएगा जीवन इसलिए कृष्ण का भी साथ में होना जरूरी है और सिर्फ कृष्ण कृष्ण होगा तो क्या होगा ओनली फन लविंग मिस्चीफ या ऑफकोर्स कृष्ण हैज गिवन गीता ऑल्सो तो क्या होगा पर कृष्ण ने राम ने जो जो मर्यादा रखा कृष्ण ने सब मर्यादा तोड़ा कि नहीं राम एक पत्नी वचनी थे है कि नहीं राम का जन्म सुबह हुआ 12 बजे कृष्ण का जन्म रात को हुआ 12 बजे लेकिन एक का जन्म हुआ पैलेस में एक का जन्म हुआ जेल में एक का जन्म उत्तरायण एक का दक्षिणायन एक के जन्म से भय पैदा हुआ और एक के जन्म से उत्सव हो गया सो दे आर टोटली अपोजिट एंड अपोजिट वैल्यूज आर अरे आप जानते हैं नहीं इसीलिए दोनों थोड़ा मर्यादा चाहिए उस उत्सव को भी और मर्यादा में रहकर उत्सव करना ही रामकृष्ण का साथ में जाना है सुन रहे हैं ना मेरी बात आप देखोगे राम ने एक ही बड़ा युद्ध किया है कि नहीं और कृष्ण तो पहले से ही युद्ध में इन्वॉल्व थे राम ने एक हाथ बार स्किल का उपयोग किया होगा वो भी वाली को मारने में है कि नहीं कृष्ण ने शायद एक हाथ बार उपयोग किया होगा सीधा सीधा कुछ किया होगा सो दे आर टोटली अपोजिट येट दे आर कंप्लीट सो दे आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन दैट्स व्हाई वी से राम कृष्ण अर्पणमस्तु कि ये दोनों तत्व मेरे अंदर उभरे